कांग्रेस के सूत्रों ने बुधवार को न्यूज एजेंसी को बताया कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी 25 अक्टूबर को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। इस दौरान नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस एनआरसी के मुद्दे पर विचार विमर्श होगा। कांग्रेस अध्यक्ष एनआरसी के मामले पर पार्टी की एक लाइन तय करना चाहती हैं। दरअसल हाल ही में आरएसएस ने पूरे देश में एनआरसी को लागू किए जाने की मांग की थी। संघ का कहना था कि इसके जरिए ही देश से घुसपैठियों को बाहर किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बयान के आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मामले पर पार्टी का स्टैंड स्पष्ट करने का निर्णय लिया है। इस पैनल का नेतृत्व सोनिया गांधी करेंगी। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव बाद के हालात और दूसरे राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 17 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। गुरुवार को महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद इसकी पहली बैठक होगी। इस पैनल का नेतृत्व सोनिया गांधी करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा इस समूह में शामिल नहीं। कांग्रेस के इस पैनल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, अंबिका सोनी, कपिल सिबल, वेणुगोपाल और अधीर रंजन चौधरी को इसका सदस्य बनाया गया है। पैनल में रणदीप सिंह सुरजेवाला, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजीव साटव और सुष्मिता देव जैसे युवा नेता भी शामिल हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस समूह में शामिल नहीं है। बैठक में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। 25 अक्टूबर को होने वाली इस बैठक में चुनाव परिणाम के परिणामों के साथ ही 18 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी बातचीत होगी। संसद में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति भी इस बैठक में बनाई जाएगी। बैठक में पार्टी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस एनआरसी पर विचार विमर्श भी करेगी। असम में बड़ी संख्या में इसके नागरिक एनआरसी से बाहर छूट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की विफलता को उजागर करने की रणनीति पर चर्चा होगी, तो वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हालत, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी पर भी बात की जाएगी। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को शोक कवच नोटिस। कांग्रेस ने दिल्ली के कुछ नेताओं को शोक कवच नोटिस जारी किया है। इनमें किरण वालिया, रमाकांत गोस्वामी, रोहित मनचंदा, मंगतराम सिंघल और जितेंद्र कोचर का नाम शामिल है। इन पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर गलत बयानी करने के आरोप हैं। पार्टी ने इन सभी नेताओं से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है, देने को कहा है। डी के शिव कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार बुधवार को तिहाड़ से बाहर आ गए। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। तिहाड़ के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। बाहर आने के बाद उन्होंने कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की शुभकामनाओं के कारण मुझे जमानत मिल गई, मैं बाहर आ गया हूं। इस संकट की घड़ी में मेरे साथ खड़े होने के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। पार्टी देशभर में 5 से 15 नवंबर के बीच विरोध प्रदर्शन करेगी। इससे पहले कांग्रेस ने दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाम की घोषणा की। पार्टी ने यह जिम्मेदारी सुभाष चोपड़ा को दी है। कीर्ति आजाद को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी देशभर में 5 से 15 नवंबर के बीच विरोध प्रदर्शन करेगी। यह प्रदर्शन देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखकर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले यह प्रदर्शन 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के मध्य होना था, मगर हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे आगे बढ़ाया गया।